गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। कोरोना वैक्सीनेशन का इंतजार हुआ खत्म, आए शुभ घड़ी। शनिवार से पूरे देश में शुरू हुआ वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नंबर आने पर लगवाऊंगा टीका, जबरदस्ती किसी को नहीं लगेगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ लाइव प्रसारण, कोरोना के खात्मे के लिए अंतिम प्रहार, लगाया गया स्वास्थ्य कर्मियों को टीका। जिला अस्पताल में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे को लगा पहला टीका, स्वास्थ्य कर्मियों में दिखा गजब का उत्साह। जिले में कोरोना की जंग की हुई शुरुआत, 6 केंद्रों पर 307 लोगों को लगाया गया टीका, जिसमें 136 पुरुष और 171 महिलाएं रही शामिल। पिपराइज में 62 लोगों का हुआ टीकाकरण, जिसमें केवल महिलाएं रही शामिल। SBI के द्वारा तारामंडल स्थित प्रशासनिक कार्यालय पर आयोजित किया गया रक्तदान शिविर, DGM सहित अनेक कर्मचारियों ने किया रक्तदान। कहा, रक्तदान है महादान, स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में एक बार अवश्य करे रक्तदान। हरियाणा से गोरखपुर के रामगढ़ ताल में पहुंचा 12 सीटर फैमिली बोट, बना आकर्षण का केंद्र, लोगों ने जमकर उठाया लुफ्त। गोरखपुर में शनिवार को मिले मात्र 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,299। अब तक 354 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 162 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर महोत्सव के प्रदर्शनी के समापन अवसर पर शनिवार को आयोजित हुआ काव्य गोष्ठी, कवियों की मनोहरी प्रस्तुति से मन मुग्ध हुए श्रोता। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए कृषि एवं सरकारी विभाग के योजनाओं के अंतर्गत लगाया गया मेला हुआ संपन्न, कम दामों में बेचे गए साड़ियां और गर्म कपड़े। जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में चल रहे आमंत्रण लीग कम नॉक आउट फुटबॉल प्रतियोगिता के चौथे दिन खेले गए मैच में चरगावा ने विलियंस क्लब को 4-0 से हराकर बनाए अंक, खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। और पूर्वा हवाओं व गलन ने बढ़ाई ठंडक, अलाव जलाकर ठंड से बचते नजर आए लोग। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक नहीं मिलने वाली ठंड से राहत।